तो आम के या फिर कच्चे आम के गुणों के बारे में तो आपको पता ही होगा, लेकिन क्या आपको इसके छिलकों के बारे में पता है? आज हम बनाने वाले हैं कच्ची कैरी की छिलकों से बनने वाली एक चटपटी अमेजिंग सी चटनी। हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मनीषा और आप देख रहे हैं सिंपलीफायर कुकिंग। आज की हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक से मेरा मतलब है जो हमारे पुराने जमाने के लोग हुआ करते थे वो बिलीव करते थे जीरो वेस्ट लाइफ में, यानी कि जो भी सब्जियां या जो भी चीजें आती थी उसे मैक्सिमम यूज करना। तो जो भी सब्जियां आती थी उसका वो मैक्सिमम यूज करते थे। तो आज हम ऐसी ही एक रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम बनाएंगे कच्ची कैरी के छिलकों से चटनी। जी हाँ, कच्ची कैरी के जो छिलके होते हैं उसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है, उसे जरूर कंज्यूम करना चाहिए। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। कच्ची कैरी के छिलकों की चटनी बनाने के लिए हमें लेने होंगे छिलके हाफ कप के करीब, और ये छिलके आपको ऐसे पसंद करने हैं जो टेस्ट में कड़वे ना हो। जो छोटी छोटी कैरी होती है उनके छिलकों का टेस्ट कड़वा होता है, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने हाफ कप कच्ची कैरी के छिलके लिए हैं और ये फ्रेश हैं। और अब हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार, उसमें इन छिलकों को हम ऐड कर देंगे। तो जो इसे बनाने की जो मेथड है वो पुराने ज़मानों में तो सिलबट्टे पे पीसा जाता था, लेकिन आज हम मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ करके बिल्कुल वही वाला ऑथेंटिक टेस्ट ला सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं छिलकों के साथ ले रही हूँ 3 सूखी लाल मिर्च, और इसे हम दरदरा सा पीसेंगे। यानी कि आपको मिक्सर ग्राइंडर को आपको फुल मोड पे नहीं चलाना है, आपको पल्स मोड पे चलाना है। यानी कि आपको जो लेफ़्ट साइड में एक बटन दिया होता है, लेफ़्ट साइड में आप 1 सेकंड के लिए चलाइए, फिर बंद कीजिए, फिर से 1 सेकंड के लिए चला के उसे बंद कीजिए। ऐसा लगभग 7 से 8 बार करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अगर आप मिक्सर को रनिंग मोड पे चला देंगे तो ये बहुत ही बारीक पेस्ट बन जाएगा, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च, 1 यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसके साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पर 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, यहाँ पर मैंने 1 टुकड़ा लिया है कच्ची कैरी का, ये कच्ची कैरी ही है, इसका रंग ऐसा हो गया है फ्रिज में रख के। उसके बाद हम इसे फिर से पीसेंगे, और इस समय पे भी हमें इसे पल्स मोड पे ही पीसना है। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ी थोड़ी जो है हम चीज़ें ऐड करके इसे पीस रहे हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर देगा आपको। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा धनिया और पुदीना, आप अपनी चॉइस से धनिया पुदीना कम या ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच के करीब इसमें डाला है जीरा, जो कि कच्चा जीरा है, स्वाद अनुसार आप नमक ले लीजिए। उसके साथ मैंने ली है 1/4 छोटे चम्मच के करीब हींग, और इन सभी चीज़ों को हम फिर से पीसेंगे लेकिन पल्स मोड पे ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है, आप चाहें तो इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये जो चम्मच देख रहे हैं वो चम्मच 4 भर के मैंने लगभग इसमें पानी ऐड किया है। अगर आप ये चटनी को स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच भर के ऑयल यूज़ कर सकते हैं पानी की जगह पे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अमेजिंग चटपटी चटनी का कुट्टा बन के रेडी हुआ है। जैसे कि हम मिर्ची का कुट्टा खाते हैं, वैसे ही ये कच्ची कैरी के छिलके का कुट्टा है। आप इसे रोटी, पूरी, नान, पराठा, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट देगा। इसमें फाइबर है और साथ ही साथ विटामिन सी, तो हेल्थ तो बढ़ाएगा ही। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, ये वेस्ट में से बेस्ट बोल सकते हैं आप इसे। ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं हमेशा आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सैटरडे को एक अमेजिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।